आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ ऑल द गैस एंड द ब्लोटिंग विच हैपन्स पोस्ट प्रेगनेंसी. दैट मीन्स वंस यू डिलीवर द बेबी ऑल द गैस एंड द ब्लोटिंग विच हैपन्स यू नो दैट ऑल कैन बी सॉर्टेड आउट. बट बिफोर सेइंग दैट, बिफोर डिस्कसिंग द पॉइंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू माय ओन एक्सपीरियंस दैट आई हैड अ सी सेक्शन. एंड व्हेन आई हैड अ सी सेक्शन, you know, I had just some major gas and bloating, and it was so painful. Like ek to C-section ka pain, and apart from that, you know, that gassy pain in the stomach, it really was too much to handle. So you know, I was always on a lookout ki iske liye hum kya kar sakte hain, kya remedies use kar sakte hain, because if you go to doctors, they'll give you a pantacid. That is of course one of the things to do, but मेरा ये कंसर्न था कि मैं कुछ होम रेमेडी से इसको ट्रीट करूं. सो गाइज, एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगी, जितने भी सी सेक्शन सर्जरीज होती हैं वो ज्यादा प्रोन होते हैं फॉर गैस एंड ब्लोटिंग. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, जब सी सेक्शन सर्जरी आपकी हो जाती है, उसके बाद आपकी जो इंटेस्टाइन्स होती है, दे यू नो दे काइंड ऑफ मूव स्लोली. सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस द गैस एंड द ब्लोटिंग हैपेंस. तो हम क्विकली अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स जो मैंने थ्रू आउट पोस्ट डिलीवरी यू नो उनको यूज किया था. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज दैट मैंने नॉर्मल पानी पीना बिल्कुल छोड़ दिया था फॉर द नेक्स्ट थ्री मंथ्स ऑफ माई पोस्ट थ्री मंथ्स ऑफ माई डिलीवरी. आई जस्ट यूज टू टेक यू नो 1 लीटर ऑफ वाटर, पुट 1 टीस्पून ऑफ सौफ एंड 1 टीस्पून ऑफ अजवाइन एंड बॉइल इट नाइसली. जब पानी बॉयल हो जाता था तब मैं उसको स्ट्रेन कर लेती थी एक बॉटल में और वही मेरा पीने का पानी होता था. सो आई नेवर हैड लाइक प्लेन वाटर. आई हैड दिस यू नो वाटर विच आई मेड आउट ऑफ सौफ एंड अजवाइन. एंड गाइस ट्रस्ट मी, ये सुपर इफेक्टिव है फॉर गैस एंड ब्लोटिंग. दूसरा पानी जो मैं सुबह उठते पीती थी और रात को पीती थी, दैट वॉज द जीरा वाटर. तो मैं क्या करती थी, ओवरनाइट एक ग्लास में मैं 1/2 टीस्पून जीरा सोक करके उसको पूरी रात रहने देती थी. एंड देन आई यूज टू वॉमिट इन द मॉर्निंग, स्ट्रेन इट आउट, वॉमिट इन द मॉर्निंग एंड ड्रिंक इट अप. ट्रस्ट मी, दिस ऑल्सो रियली हेल्प मी फॉर ऑल द गैस एंड द ब्लोटिंग विच वॉज हैपनिंग इन माई बॉडी. अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आई यूज टू ट्राई एंड सिट इन वज्र आसन. तो वज्र आसन में मैं बैठती थी, उससे क्या होता था, बहुत ज्यादा यू नो मुझे रिलीफ मिलता था अराउंड माई स्टमक एरिया. के साथ साथ मैं पवन मुक्त आसन में भी बैठती थी, सो दैट यूज टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी. सी सेक्शन जब होता है एकदम आपको नहीं बैठना चाहिए, 40 डेज आपको वेट करना चाहिए फॉर द पवन मुक्त आसन, एंड देन यू कैन प्रैक्टिस ऑल ऑफ दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट पॉइंट जो मैंने बहुत ज्यादा ध्यान रखा था, बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग विच एनी सॉर्ट ऑफ गैसी फूड, मतलब कि जैसे कि बीन्स हो गए, राजमा, छोले, उड़द की दाल एंड बहुत सारी और चीजें जैसे ब्रोकली. ब्रोकली इज वन ऑफ माई फेवरेट फूड एंड मैंने वो भी नहीं खाया बिकॉज इट ऑल क्रिएट्स अ लॉट ऑफ गैस. ओके, भिंडी, यू नो ये सब मैंने बंद कर दिया एंड दैट रियली हेल्प मी एज वेल. सो बेसिकली जो तीन चीजें मैं आपको इन शॉर्ट करके बताती हूँ, एक मैंने यू नो सौफ और अजवाइन का पानी पिया, जीरे का पानी पिया, दूसरा मैंने वज्रासन पवन मुक्त आसन किया एंड लाइट वॉक करी, एंड थर्ड विच वॉज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट आई स्टॉप ईटिंग ऑल द गैसी फूड्स, यू नो विच फूड्स विच क्रिएट गैस इन योर बॉडी. So guys, these were my few tips for removing all the gas and the bloating in the body. अगर आपके पास कोई अच्छी टिप्स हैं, प्लीज आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर यू नो मैंशन कीजिए. बिकॉज when you write something in the comment section, when you write your experiences, it helps others. And guys, आज के लिए बस इतना ही. अगली बारी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ. And here's Mommy Saga signing off. Bye bye.